प्रथम तहलका न्यूज। अपनी बयानबाजी और तीखी प्रतिक्रिया के लिए मशहूर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने भाजपा जजपा सरकार पर साजिश के तहत प्रदेश के युवाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला का कहना है कि प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज व यूनिवर्सिटी कोरोना महामारी के चलते बंद है, लेकिन हरियाणा सरकार ने युवा विरोधी फरमान जारी करते हुए विद्यार्थियों से फीस वसूली करने में जुटी है। सुरजेवाला ने गठबंधन सरकार को संवेदनहीन बताते हुए मांग कर डाली कि सभी विद्यार्थियों की आधी फीस माफ की जाए। खट्टर सरकार हर रोज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार में बना रही है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के युवाओं से, बेटे और बेटियों से आपकी क्या दुश्मनी है? आए दिन नया आदेश जारी कर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेलने का क्या आपने ठेका उठा रखा है? नया तुगलकी फरमान ये है कि जब पूरे हरियाणा के कॉलेज और विश्वविद्यालय कई कई महीने से बंद पड़े हैं कोरोना महामारी के चलते, तो आदेश जारी कर हमारे बेटे और बेटियों से हजारों रुपया फीस के नाम पर वसूला जा रहा है। एक तरफ पढ़ाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ हजारों रुपया की फीस हरियाणा के बेटे और बेटियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों की देंगे कैसे? क्या इसका कोई जवाब आपके पास है? क्यों हरियाणा सरकार 50% सालाना फीस माफी, कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के चलते हरियाणा के छात्र और छात्राओं फीस माफी के अलावा सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को एचटेट के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने एचटेट की वैधता बढ़ाए जाने और जेबीटी भर्ती प्रक्रिया तुरंत आरंभ करने की मांग कर डाली। और दूसरी तरफ 1,00,000 के करीब एचटेट पास किए हरियाणा के बेटे और बेटियों का क्या होगा? पेपर तो पास कर लिया एचटेट का, पर वो पेपर पास किया अब कागज का एक पुलिंदा बन गया जिसके कोई मायने नहीं, क्योंकि 9,000 के करीब जेबीटी के अध्यापक के पद खाली पड़े हैं पर खट्टर सरकार भर्ती नहीं। क्या आप ये कहकर सत्ता में आए थे दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब के युवाओं की नौकरियों पर ग्रहण लगाएंगे, युवाओं से हजारों रुपया की वसूली करेंगे या फिर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनवाएंगे? सच्चाई ये है कि जब से भाजपा जजपा की सरकार आई है हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। अभी भी समय है, 50% कॉलेज और विश्वविद्यालयों की फीस छोड़िए और इसके साथ साथ 9,000 जेबीटी के पद भरिए, वरना आपको अपनी राजगद्दी पर बैठकर गुलछर्रे उड़ाने और मौजे काटने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। हरियाणा के युवा आदरणीय खट्टर साहब आपसे भी और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से भी जवाब मांगते हैं। सुरजेवाला ने बेरोजगारी के मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने बाकायदा कोर्ट में एक हलफनामा देकर 5,695 पदों पर जेबीटी भर्ती करने की बात मानी थी, लेकिन आज तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, जिससे एक तरफ बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब हुआ है तो वहीं दूसरी ओर छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिक्षण का अभाव झेलना पड़ रहा है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।